बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बड़े अजीम पाको हिंद के तबीब और नामवर सियासी शख्सियत हकीम मोहम्मद अजमल ख़ान 11 फरवरी 1868 को रामपुर दिल्ली में पैदा हुए। उन दिनों आपके वालद हकीम महमूद ख़ान रियासत रामपुर से ताल्लुक़ रखते थे। हकीम अजमल ने सबसे पहले नाजरा कुरान मजीद पढ़ा, इसके बाद हिफ्ज भी किया। 15-16 साल की उम्र में कुरान पाक के हाफिज़ हो चुके थे। अरबी, सरफ़ो नहू और इब्तदाई किताबें मौलाना सिद्दीक अहमद देहलवी और हकीम जमीलुद्दीन से पढ़ीं। बाकायदा तौर पर कोई मुरवजा रस्मी इम्तिहान पास नहीं किया, लेकिन अलूम में थोड़े अरसे में काफ़ी महारत हासिल कर ली। शुरू ही से आप खुश नवेसी की जानब मायल थे। खत्ते नस्ता लीग के मुस्लिम सबूत उस्ताद मौलवी रजीउद्दीन से इसलाह लिया करते। खत्ते नस्ख और खत्ते सलस में वो महारत हासिल की कि बड़े बड़े उस्तादज़ फ़न ने आपकी आला खुश नवेसी का एतराफ़ किया। आपके कुतुब खाना में हिंदुस्तान, ईरान और इराक के बेहतरीन खुशनवीसों की सदहाओं सलियाँ मौजूद थीं। कलमी किताबें जमा करने का बहुत शौक था। 1896 में नवाब रामपुर का कुतुब खाना हकीम अजमल की तहवील में आ गया। 9 वर्ष की कलील मुद्दत में आपने उस शोहरा आफाक कुतुब खाना में जमा शुदा किताबों का मुताला कर लिया। कुतुब खाना में कई बार कुतुब का इजाफा भी किया गया। 1901 में कुतुब खाना की पहली फहरिस्त मुकम्मल की। 1902 में ख़ानदानी मतब और मदरसा तबिया के इंतजाम व इंसराम के लिए 1902 में दिल्ली वापस आए। आरज़ क्लब में मुतला होने की वजह से सितंबर 1904 में आबो हवा की तब्दीली की गर्ज से मेरठ चले गए। वहां से लाहौर और फिर साहिवाल में मुकीम रहे, लेकिन अफाका ना हुआ। आखिर मार्च 1905 में कुछ अरसे के लिए इराक चले गए। 1905 के अवाखिर में इराक से वापस आए तो तबीयत संभल चुकी थी। बाद अज़ां फ़न तबाबत, सियासत और इल्मी मुशागल में फिर से मुनहमक हो गए। हकीम मोहम्मद अजमल ख़ान बेमिसाल तबीब ही नहीं, दर्दमंद सियासी रहनुमा, अदीब, शायर और आलम दीन भी थे। तबिया कॉलेज दिल्ली और हिंदुस्तान दवाखाना के जरिए इल्म तिब को कौम की मलकियत बना गए। आपने अपनी ज़िंदगी मुल्क की आज़ादी, भाईचारे की तालीम, तिब यूनानी की तालीम को साइंसी बुनियादों पर इस्तवार करने और कौमी तालीमी अदारों की हालत बेहतर बनाने में गुजारी। तहरीक आज़ादी हिंद में भरपूर हिस्सा लिया। तबिया कॉलेज के क्याम के साथ साथ जामिया मिलिया को चलाने की जिम्मेदारी भी संभाली और 7 साल तक इसके चांसलर रहे। तहरीकी अदम तआवुन नाकाम होने के बाद जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे तो हकीम साहब ने दोनों कौमों में इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करने की मसाई की। 29 दिसंबर 1927 को दिल्ली में वफात पाई।